हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियलमी स्लिम बुक की सेल के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाल फिलहाल ही फ्लिपकार्ट की जो फर्स्ट दीपावली सेल थी वो एंड हो चुकी है 16 अक्टूबर को, और जो नई दीपावली सेल है वो स्टार्ट होने वाली है 19 अक्टूबर से। सो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो कंपनी वाले हैं ये हमको पागल क्यों बना रहे हैं, ये लोग चाहते क्या हैं। बेसिकली जो रियलमी कंपनी है लैपटॉप की, वो अपना लैपटॉप बेचना चाहती है, ठीक है, ये बात सच है एकदम। हम जो लोग हैं हम इस लैपटॉप को सेल के अंदर खरीद चाहते हैं, तो ऐसे में जैसे सेल स्टार्ट होती है लैपटॉप की प्राइस को ये लोग कम कर देते हैं। लेकिन ये जो लैपटॉप है वो आउट ऑफ स्टॉक क्यों रखते हैं लैपटॉप को, और जैसे ही सेल जो है एंड हो जाती है इस लैपटॉप को वापस स्टॉक में ले आते हैं और बोलते हैं पटको 60,000 रुपए i5 खरीदना है तो पटको 46,000 रुपीज, अगर आपको i3 खरीदना है तो। ऐसे में देखो, आपने नोटिस किया हो तो सेल चली लगभग 5 से 6 दिन तक भाई साहब ये जो लैपटॉप है वो स्टॉक के अंदर नहीं आया। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक बार भी स्टॉक में नहीं आया। मैंने सुबह शाम दिन रात सब जगह चेक किया इस लैपटॉप को, हर टाइम चेक किया, ये जो लैपटॉप था स्टॉक में नहीं आया। जैसे ही जो सेल है वो एंड हुई, ये जो लैपटॉप है भाई साहब ये आ गए स्टॉक के अंदर। और i5 वाला लैपटॉप लेना है तो 60,000 रुपये दो, और i3 वाला लेना है अब 46,000 रुपीज दो। तो दोस्तों, इस कंपनी की मैं आपको थोड़ी सी मार्केट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने किया क्या, जैसे जो है दिवाली सेल स्टार्ट हुई फ्लिपकार्ट पर, इन लोगों ने लैपटॉप की प्राइस को कम कर दिया ताकि ज़्यादा अटेंशन मिले लोगों का, लोग ज़्यादा क्लिक करें लैपटॉप की प्राइस को कम देख करके। जैसे लोग क्लिक करते हैं फिर लोगों को पता चलता है कि आउट ऑफ स्टॉक है लैपटॉप, लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं आज या कल के अंदर जो है स्टॉक के अंदर आ जाएगा लैपटॉप। तो साइड में लोगों ने बटन दे रखा था नोटिफाई मी, तो जो भी लोग 100% इंटरेस्ट रखते थे ना इस लैपटॉप के अंदर, मजाक में से क्लिक करने वाले नहीं, जो सच में लेना चाहते हैं इस लैपटॉप को, उन लोगों ने पक्का 100% नोटिफाई मी वाला जो ऑप्शन था ना वहां पे क्लिक किया होगा और पक्का अपने जीमेल को दिया होगा कि भाई जैसे ही स्टॉक में आएगा आप लोगों को जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, अभी आप ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। तो जितने भी लोगों ने नोटिफाई मी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है ना, वो सारी की सारी जो जीमेल है कंपनी वालों के पास पहुंच गई कि भाई इतने लोगों ने नोटिफाई मी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो ऐसे में कंपनी वालों को पता चल गया कि इतने सारे लोग जो है इस लैपटॉप में इंटरेस्ट रखते हैं, वो 100% इस लैपटॉप को परचेस करने वाले हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट सेल के अंदर इस लैपटॉप को वो स्टॉक के अंदर डालेंगे, और इस लैपटॉप की प्राइस उनको क्या रखनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जो है एक टारगेट ऑडियंस मिल गई। क्योंकि यार मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 10 से 20,000 लोगों ने जो है नोटिफाई मी पे क्लिक कर दिया, वैसे इतना नहीं होगा, चलो 5,000 लोगों ने नोटिफाई मी पे क्लिक कर लिया, तो कंपनी वालों को इतना पता चल चुका है कि भाई कम से कम 5,000 लोग इस लैपटॉप को 100% परचेस करने वाले हैं। तो ऐसे में वो लैपटॉप की जो प्राइस है उसको वो हाई रखने वाले हैं नेक्स्ट सेल के अंदर, क्योंकि जो सेल है दीपावली सेल जो स्टार्ट होगी 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर को एंड हो जाएगी, तो ये जो सेल है वो लास्ट होप है दोस्तों। इस बात को आपको कोई भी सेल देखने को नहीं मिलेगी, आपको पता है क्रिसमस में कोई सेल नहीं आती खास फ्लिपकार्ट पर, तो बेसिकली वो जो है एक लास्ट चांस रहेगा लोगों को इस लैपटॉप को सस्ते प्राइस में खरीदने का। तो ऐसे में कंपनी वालों को पता चल गया कि 5,000 लोग जो है इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो इस बार नेक्स्ट सेल के अंदर थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी पुरानी सेल के कंपेरिजन के अंदर। दोस्तों, ये जो मैंने आपको पूरी जो भाषण दिया ना लंबा चौड़ा, उसके अंदर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कंपनी वाले बहुत ज़्यादा शातिर हो चुके हैं। इन लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, पहले तो जो है प्राइस को कम कर दिया, उसके बाद इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, लोगों का अटेंशन सिकर मतलब अटेंशन लिया, उसके बाद उन लोगों ने पता लगा लिया कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस लैपटॉप को परचेस करने में। अभी नेक्स्ट सेल आने वाली है, उस सेल के अंदर ये लैपटॉप 101% स्टॉक के अंदर रहेगा, और उसकी जो प्राइस है आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी पिछले सेल के कंपेरिजन के अंदर। और जो लोग बाग है उनको खरीदना ही पड़ेगा ये लैपटॉप, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी सेल देखने को नहीं मिलने वाली। सो दोस्तों, हमारी छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी छोटी सी बनाई वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सच में थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ जानो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं पक्का आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।